Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आज और आप देख रहे हैं बिटन टेक यूट्यूब चैनल और पीएचपी के इस बिगिनर्स कोर्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे पीएचपी की बेसिक कोडिंग। मैं आपको बताऊंगा कि पीएचपी में वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं और सिंपली कुछ भी प्रिंट करने के लिए पीएचपी में आप कैसे कोडिंग कर सकते हैं। स्क्रीन पे कुछ भी आपको प्रिंट करना है तो आप कैसे पीएचपी को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ भी चीज स्टार्ट करने से पहले आपको एक सर्वर चाहिए पीएचपी में। अगर आपको पीएचपी रन करनी है तो एक सर्वर आपका स्टार्ट होना चाहिए। तो हम सबसे पहले जैम्प को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं स्टार्ट में, सर्च करते हैं जैम्प। तो ये हमको स्टार्ट करना पड़ेगा सर्वर अगर हमको पीएचपी रन करना है। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एचटीटीपी सर्वर है, उसको हम स्टार्ट करेंगे। MySQL स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम वो बाद में सीखेंगे। तो मैंने पैचे यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ग्रीन हो गया। तो यहाँ पे पोर्ट नंबर 80 पे मेरा एचटीटीपी सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हम कह सकते हैं। इसका नाम हम दे देते हैं डेमो डॉट टी एक्स टी को हमको चेंज करना पड़ेगा पीएचपी में, क्योंकि हम लोग पीएचपी में काम कर रहे हैं। तो इसका एक्सटेंशन होता है डॉट पीएचपी, इसको यस कर दीजिए। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे डेस्कटॉप पे है ये फाइल। तो अगर मेरे को इसको सर्वर के थ्रू एक्सेस करना है तो मुझे एच टी डॉक्स के अंदर इसको डालना पड़ेगा। मैंने बताया था एचटी डॉक्स होता है जैम्प में, जो आपकी सर्वर की फाइल्स को एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे जैम्प के अंदर एचटी डॉक्स फोल्डर होता है, इसके अंदर आपकी सारी फाइल्स होंगी आपके सर्वर की, जो भी आपकी वेबसाइट की फाइल्स हैं। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे जैसे ये पेस्ट हो चुका है तो हम इसको अब एक्सेस कर सकते हैं। तो अब इस फाइल को हम लोग खोल देते हैं और यहाँ पे एक मेरे पास ब्लैंक फाइल आ गई है। तो अब स्टार्ट करते हैं पीएचपी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये ध्यान में रखने की है पीएचपी सीखने से पहले, कि जो भी कोडिंग आप पीएचपी की करोगे वो दो स्टेटमेंट्स, दो डेफिनेट स्टेटमेंट्स के अंदर ही होनी चाहिए। और वो दो स्टेटमेंट्स में से सबसे पहला स्टेटमेंट है ग्रेटर देन साइन क्वेश्चन मार्क पीएचपी। तो ये होती है स्टार्टिंग किसी भी पीएचपी स्क्रिप्ट की। आपको जो भी कोडिंग करनी है आप इसी के अंदर करेंगे, इसके ऊपर या जो एंड है उसके नीचे अगर आप करते हैं तो आपको पीएचपी रन नहीं होगा, एरर देगा। तो यहाँ पे आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे ग्रेटर देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी, और इसके बाद आप जो भी कोडिंग लिखना चाहें लिख सकते हैं पीएचपी की। और जब आपको ख़त्म करना है तो आप यहाँ पर ख़त्म करेंगे क्वेश्चन मार्क लेस देन साइन। तो जो भी पीएचपी में आप करोगे वो इन दो स्टेटमेंट्स के अंदर ही आएगा, जितनी भी पीएचपी की कोडिंग आपको करनी है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो हम ये जानते हैं कि पीएचपी में वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है जो पीएचपी को अलग बनाती है बाकी लैंग्वेजेस से, कि पीएचपी में जितने भी वेरिएबल्स आप जिस भी टाइप के वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करो, यूज़ करो, वो सब स्टार्ट होंगे एक डॉलर साइन से। उसके बाद आप चाहे अंडरस्कोर लिखो, चाहे अल्फ़ाबेट लिखो, नंबर्स आप नहीं लिख सकते क्योंकि नंबर्स अलाउड नहीं है। हाँ, P1, P2 आप लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, आप अंडरस्कोर या किसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करो, आप याद रखिए कि वो डॉलर साइन से ही स्टार्ट हो, वरना वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग डॉलर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, डॉलर ए इक्वल टू कोई भी वैल्यू हम इसको दे देते हैं। यहाँ फिलहाल तो हम इसको दे रहे हैं एक स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड। और एक बात यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, पीएचपी में आपको ये ज़रूरी है कि आप जितनी भी लाइंस ख़त्म करें वो एक सेमी कॉलन से ही एंड हो। पीएचपी में ज़रूरी है आपको हर लाइन सेमी कॉलन से एंड करनी है। जावास्क्रिप्ट में ये ज़रूरी नहीं था, लेकिन पीएचपी में ये नेसेसरी है, इसके बिना आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, एरर मिलेगा। और एक बात यहाँ पर है कि आपको यहाँ पर वेरिएबल्स के डेटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आप सी या सी प्लस प्लस में करते हो या करते होंगे। अपने आप समझ जाता है जो आप उसको वैल्यू प्रोवाइड करते हो, चाहे आप ऐसी इसको स्ट्रिंग प्रोवाइड करो तो वो समझ जाएगा कि ये स्ट्रिंग वेरिएबल है। आप उसको अगर कोई इंटीजर प्रोवाइड करो तो वो समझ जाएगा कि ये इंटीजर वेरिएबल है। तो आपको खुद से बताने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। एक और वेरिएबल ले लेते हैं डॉलर बी इक्वल टू कोई इंटीजर दे देते हैं 5। तो ऐसे हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं पीएचपी में, बहुत ही सिंपल है, कुछ करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं, यहाँ पर सिर्फ वैल्यू असाइन करनी है। तो ये हो गए वेरिएबल्स। और पीएचपी में आप ये ध्यान रखिएगा कि पीएचपी केस सेंसिटिव होता है। डॉलर ए, डॉलर स्मॉल ए और डॉलर कैपिटल ए दोनों अलग अलग वेरिएबल्स होंगे। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, पीएचपी स्ट्रिक्टली केस सेंसिटिव नहीं होता है। जो फंक्शन के नेम्स होते हैं वो केस इनसेंसिटिव होते हैं, लेकिन वेरिएबल्स स्ट्रिक्टली सेंसिटिव हैं। तो वेरिएबल्स यूज करते समय आप ध्यान में रखिएगा कि छोटे और बड़े दोनों अलग अलग होते हैं। तो हमने पढ़ लिया वेरिएबल्स कैसे होते हैं पीएचपी में, लेकिन अब हम देखते हैं कि आप कुछ भी प्रिंट कैसे कर सकते हैं एक वेब पेज में पीएचपी के थ्रू।
तो पीएचपी में एक फंक्शन होता है जिसका नाम है एको, ई सी एच ओ, एक एको फंक्शन होता है जो आप पैरेंथेसिस में भी यूज कर सकते हैं और बिना पैरेंथेसिस में भी यूज कर सकते हैं। के अंदर आप क्वेट्स में जो भी लिखेंगे वो एक वेब पेज में प्रिंट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे डबल क्वेट्स में लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, जो भी मेरे को प्रिंट करना है, तो ये हेलो वर्ल्ड को एज इट इज प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे। तो अब मैं आप इसको सेव कर लेते हैं। तो अब हम ब्राउजर खोल लेते हैं और इस फाइल को एक्सेस करने के लिए हमें लोकल होस्ट चाहिए। तो लोकल होस्ट स्लैश फाइल का नाम, जो हमारी फाइल का नाम था demo.php, तो demo.php लिख के एंटर कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट आ रहा है हेलो वर्ल्ड। तो इसने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट या एको कर लिया है स्क्रीन पे। तो सिंपली कुछ भी प्रिंट करने के लिए आप एको फंक्शन यूज कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ एग्जाम्पल, तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। और मुझे, और मैं ये नहीं चाहता कि बार बार मैं हेलो वर्ल्ड पूरा लिखूं, जबकि मेरे पास यहाँ पर ए में ही स्टोर्ड है हेलो वर्ल्ड। तो मैं यहाँ पर ए को ही यूज़ करना चाहता हूँ, एग्जाम्पल डॉलर ए। तो अगर मैं ऐसे ही अगर प्रिंट करता हूँ, एको करता हूँ, तो देखते हैं आउटपुट आता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एरर आ रहा है, एक पार्स एरर आ रहा है। पार्स एरर का मतलब जब सर्वर ने इस पीएचपी फाइल को रीड किया तो उसको एक एरर मिला, पार्स एरर। एरर का पूरा यहाँ डिस्क्रिप्शन मिल गया है, सिंटेक्स एरर है, और ये लाइन नंबर 4 पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फाइल में, तो इस फाइल में लाइन नंबर 4 पे एक एरर है, और एरर में ये बता रहा है एक्सपेक्टिंग कॉमा और सेमीकोलन। तो यहाँ पर मैंने, तो यहाँ पर ये एरर क्यों आया, तो अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूँ कि दो अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट्स या आर्ग्यूमेंट्स को अगर मुझे एक साथ यूज़ करना है किसी भी फंक्शन में, तो मुझे एक डिस्टिंक्शन देना पड़ेगा, तभी उसको पता चलेगा कि ये दोनों अलग चीज़ें हैं। जैसे सी में होता है कॉमा, सी प्लस प्लस में होता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, जावा या जावास्क्रिप्ट में होते हैं प्लस प्लस साइन, तो वैसे ही पीएचपी में, पाइथन में जैसे होता है कॉमा, पीएचपी में भी होता है कॉमा, कॉमा या तो डॉट। आप डॉट भी यूज़ कर सकते हैं, आप कॉमा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक डिस्टिंक्शन दे दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं आउटपुट क्या आता है, फिर से रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड यहाँ पर प्रिंट हो गया है। तो ये एक डिस्टिंक्शन है यहाँ पर, डॉट या यहाँ पर आप कॉमा भी यूज़ कर सकते हैं, कॉमा भी यूज़ करेंगे तो आउटपुट वही आएगा। देखिए आउटपुट वही आ रहा है। तो यहाँ पर ये देना ज़रूरी है, एक डिस्टिंक्शन देना ज़रूरी है, तो ब्राउज़र को पता, तो ही ब्राउज़र को पता चलेगा कि ये एक स्ट्रिंग है और ये एक वेरिएबल है, दोनों के टाइप्स अलग हैं। तो इसीलिए मुझे डिस्टिंक्शन देना यहाँ पर ज़रूरी था। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसा यूज़ करना चाहता हूँ, पूरे को मैं अगर डबल क्वोट्स में डाल दूँ और इसको एको कराता हूँ, तो अब आपको लगता होगा कि ये एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। तो देखते हैं आउटपुट क्या वही आता है, देख सकते हैं आप आउटपुट वही आ रहा है, डॉलर ए प्रिंट नहीं हुआ है, डॉलर ए की वैल्यू प्रिंट हुई है। तो ये भी एक खास बात है पीएचपी 5 में जो लेटेस्ट वर्जन है, कि डबल क्वोट्स के अंदर आप कोई वेरिएबल भी डालते हैं तो वो उसकी वैल्यू को यहाँ पर एक्सपेंड कर देता है। डॉलर ए की वैल्यू को वो पूरी फाइल में चेक करेगा, अगर इसको वैल्यू मिली तो वो यहाँ पर एक्सपेंड कर देगा डॉलर ए को। तो ये खासियत है डबल क्वोट्स की। लेकिन लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिंगल क्वोट्स डाल देता हूँ दोनों जगह, तो कहानी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, एको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल डॉलर ए प्रिंट हो रहा है। मतलब सिंगल क्वोट्स में अगर आप कुछ लिखते हो तो वो एज इट इज़ प्रिंट होता है, डॉलर ए एक्सपेंड नहीं होगा, डॉलर ए भी डॉलर ए ही होगा, वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है सिंगल क्वोट्स में और डबल क्वोट्स में। तो आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है या उस वेरिएबल को एज इट इज़ प्रिंट करना है, तो आपको सिंगल क्वोट्स और डबल क्वोट्स में ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस होता है। तो हमने सीख लिया कि किसी चीज़ को प्रिंट कैसे करते हैं पीएचपी में। तो पीएचपी में एक और फंक्शन होता है प्रिंट फंक्शन, प्रिंट पी जैसे पाइथन में होता है प्रिंट, तो यहाँ भी उसका वही काम है, प्रिंट भी वही चीज़ करता है जो एको करता है। आप उसको पैरेंथेसिस में भी लिख सकते हैं और बिना पैरेंथेसिस के भी उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं आपका प्रिंट यूज़ करता हूँ एको की जगह और आउटपुट देखता हूँ, तो यहाँ पर आउटपुट मुझे सेम मिल रहा है, देख सकते हैं एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड, सेम आउटपुट आ रहा है। तो पीएचपी और तो एको और प्रिंट में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस इसमें है कि जो प्रिंट फंक्शन है वो एक वैल्यू रिटर्न करता है। मैं प्रिंट को किसी एक्सप्रेशन में यूज़ कर सकता हूँ, और तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉलर सी इक्वल टू प्रिंट, और एको करता हूँ सी की वैल्यू,
तो ये देखते हैं यहाँ पर आउटपुट क्या आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आउटपुट आ रहा है हेलो वर्ल्ड वन। तो जैसे कि मैंने कहा था प्रिंट एक वैल्यू रिटर्न करता है जो कि होती है वन, तो वन को हमेशा वो रिटर्न करता है। तो ये डिफरेंस है प्रिंट और एको में। एको कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। तो एक डेमो दिखा देता हूँ, एको अगर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ तो एको कुछ रिटर्न नहीं करता है, और मैं उसको अगर यहाँ पर यूज़ करूँगा तो यहाँ पर मुझे एक एरर शो होगा। देख सकते हैं पार्स एरर आ रहा है। तो एरर एको रिटर्न नहीं करता है इसलिए एरर आ रहा है। तो यहाँ पर रिटर्न करने के लिए मुझे प्रिंट ही यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और अब एक इंटरेस्टिंग बात आती है पीएचपी में कि एको के अंदर आप एचटीएमएल के कमांड्स भी लिख सकते हैं। एचटीएमएल के कमांड्स मतलब एचटीएमएल के टैग्स, एचटीएमएल के अंदर की कोडिंग पूरी एज इट इज आप एको के अंदर लिख सकते हैं। और एको क्या करेगा या प्रिंट क्या करेगा, वो एचटीएमएल को प्रोसेस करके वो प्रिंट करेगा। मतलब एज इट इज आप अगर ये टैग लिखते हैं H1 टैग, तो ये ऐसे ही जो ये मैंने लिखा है ये इसको ऐसे ही प्रिंट नहीं करेगा, ये उसको एज एन HTML ट्रीट करेगा, और HTML में ये कैसा यूज होता है उसको वैसे ही यूज करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अंदर हेलो वर्ल्ड और बंद कर देता हूँ H1 टैग को, और यहाँ पर मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फॉर्मेटेड हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है। मतलब H1 प्रोसेस हुआ है, H1 HTML टैग प्रोसेस हुआ है, वो एज इट इज प्रिंट नहीं हुआ है। तो ये खासियत है एको की। एको के अंदर या प्रिंट के अंदर, प्रिंट भी अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ तो प्रिंट में भी आउटपुट वही आएगा। तो देख सकते हैं वही आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पर आप HTML कमांड्स लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एज इट इज कोई भी वेबसाइट की जो प्योर HTML कोडिंग है वो आप प्रिंट या एको के अंदर ही डाल सकते हैं PHP में। तो यहाँ पर जो HTML यूज हुआ है इसको मैंने PHP में लिखा है, लेकिन वो एज ए डॉम चला गया है HTML के पेज में। तो ये एक और खासियत होती है PHP की। तो अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि PHP में आप एरेज कैसे डिक्लेयर करते हैं। मैं डायरेक्ट एरेज में आ रहा हूँ क्योंकि मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको बेसिकली इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, else स्टेटमेंट, ये सब आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपको आते होंगे, लूप्स भी आपको आते होंगे। तो PHP के अगले पार्ट तक देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड।